सुमन साहा जी समझना चाह रहे हैं टाइटन के बारे में। तो इन्होंने 20 शेयर ले रखे हैं, 2,500 पे इनका भाव है, और मतलब इनका वही सेट फॉर्मूला है, 10 साल 18% CAGR। मिलेगा ये तो क्या? पहले नहीं, ये यही क्वेश्चन पहले भी आया था कि टाइटन पे 18% का CAGR। अब ये आए हुए हो सकता है महीना दो महीना हो गया हो, लेकिन क्वेश्चन हाँ एग्जैक्ट यही शायद था। जी। जो इसमें क्या है, देखिए टाइटन अब क्या है, बहुत सारी चीजों का बिजनेस अब टाइटन के अंदर हो गया। नहीं सिर्फ घड़ी है, नहीं सिर्फ ज्वेलरी है, पता नहीं साड़ी है, क्या क्या है, बहुत सारी चीजें टाइटन के अंदर आ गई। तो अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से टाइटन के लिए बहुत है। टाइटन एक ऐसा स्टॉक होता है ना, जब कभी बहुत बड़ा बहुत बड़ी गिरावट आती है ना बाजार में, तो उस समय ये सब चीजें भर भर के रखने वाली होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज मैक्सिमम फॉल इस तरह की चीजों में आता है, रिस्क हो जाता है। मैक्सिमम फॉल बैंक में आएगा, जो आपका कंज्यूमर ड्रिवन चीजें होंगी उसमें आएगा, बिकॉज कंजम्पशन हर्ट होता है। तो इसलिए ये सब कभी बड़ा गिरता है तब उसमें जाके खरीद के रख लेना चाहिए, या फिर कोई ट्रेंड रहे तो ट्रेड कर लेना चाहिए। अब अभी के वैल्यूएशन पे टाइटन मैं तो खरीदारी का मतलब किसी भी तरह से सलाह नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज प्राइस बहुत हाई चल रहा है, वैल्यूएशन बहुत ही हाई चल रहा है। और इनका जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अगर इसको मैं मान लीजिए कि ज्वेलरी बिजनेस के हिसाब से भी देखूं, जैसे एक ज्वेलरी सेगमेंट काफी बड़ा सेगमेंट निकल के अब आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे। मालाबार तो खैर लिस्टेड नहीं है सबसे बड़ा ज्वेलर जो है, और कल्याण ज्वेलर्स ये सब जो लिस्टेड है उनके प्राइस में क्या मूवमेंट है, बिकॉज ज्वेलरीज में मल्टीपल डेवलपमेंट हो रहे हैं ट्रेडिशन ट्रेंड से हट के। जो हल्की ज्वेलरी जो अब प्रेफर की जा रही है हर जगह, उसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड इमर्ज होके आ रहा है अलग अलग रीजन में। तो इसका हो सकता है कि इसका CAGR इस इंडस्ट्री का अगले 4-5 साल के लिए काफ़ी बड़ा रहेगा। सबसे ज़्यादा ज्वेलरीज कंजम्पशन ऑफ कोर्स वेडिंग ज्वेलरी का ही होता है, तो आने वाले समय में भी ये ट्रेंड रहेगा और CAGR काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए कभी ये सब चीज़ अच्छे क्वालिटी वाले क्रैक हों 20% 30%, तो उस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सब अच्छे कैंडिडेट हो जाते हैं। इस लेवल पे थोड़ा सा सावधान इसलिए रहना चाहिए कि मैं पूरे मार्केट में ही कॉशियस हूँ, इसलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कॉशियस तो रहूंगा ही। ओके, तो यहाँ पे कॉशस नजरिया, लेकिन साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन अगर हम बनाने की कोशिश करें उसके आसपास आ रहा है। ये आप अगर हम ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से ले जाते चले, हालांकि बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा, आपकी ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन नहीं मिलेगी। तो एक तो ये हो सकता है देखने का तरीका, या फिर अगर हम इसको थोड़ा सा इसको और ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करें पुराने ट्रेंड लाइन से, बीच में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर आपको इधर ये मिल रहा है। तो क्या ये चीज इसको रोक रही है कहीं के रास्ता, इसका अटक रहा है इस पे? इसको देखने का तरीका उल्टा होना चाहिए राजू जी। आप इसकी कैंडल देखें, 23 जुलाई की, ये कैंडल आपको बोलते हैं कि आप हमेशा इसकी डिमांड को रेस्पेक्ट करें। मतलब ये बाई का कैंडिडेट होना चाहिए एज लॉन्ग एज ये डिमांड प्रोटेक्टेड है। और दूसरा इसका तरीका ये होना चाहिए, जैसे मैंने निफ्टी में क्या बोला, 24,000 जब तक है बाई बाय डिप्स का ही मार्केट रहना चाहिए, कुछ और सोचना नहीं चाहिए। कहाँ जाके रुकेगा अब नहीं पता, ब्लू स्काई। वैसे ही टाइटन का सिचुएशन ऐसा है कि 3,300 को ध्यान में रखना चाहिए। जब तक ये है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं है, ये डिमांड बनी रहेगी, आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आराम से हो जाएगा। इसमें इसका ब्रेक होने में बहुत समय नहीं लगता है। लेकिन रिक्वायरमेंट एक ही है कि 3,300 ब्रीच नहीं होनी चाहिए। मैं किताब से पढ़ता हूँ इसलिए मेरी थियरी वैसे चलेगी। मेरी थियरी ये रहेगी कि सम फाइंड ये ब्रेक होना है, प्रोवाइडेड 3,300 रहे तो पोजिशनिंग जो हम करेंगे ट्रेड की वैसे करेंगे। जी, तो फिलहाल इसकी चाल बेहतर लग रही है, लेकिन जो अभी बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, ड्यूटी घटाई गई है, उसके चलते सोने चांदी के भाव घटे हैं, तो क्या इनको इन्वेंट्री लॉस होगा वो हमें आगे दिखेगा, या सस्ता होने के चलते सेल्स बढ़ेगी? इस पूरे घटनाक्रम का, बजट के असर का इनके बिजनेस पर किस रूप में असर दिखेगा? राजू जी, इनके बिजनेस जैसा मैं समझता हूँ,
इन्वेंटरी जो रहता है गोल्ड का और जो भी गोल्ड प्लेटिनम जो भी इन्वेंटरी रहती है, इसमें हमेशा दो कंपोनेंट रहता है। एक कंपोनेंट आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, दूसरा आपकी मेकिंग चार्जेस हो गया। वहाँ पे ऑप्टिक्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर थोड़ा बहुत लॉस हुआ भी इन्वेंटरी का, तो आप समझें कि मेकिंग चार्जेस के ऑप्टिक्स मैनेजमेंट में वो निकल जाएगा। आज तक मैंने किसी भी ज्वेलर्स, जो कि हम पुराने समय में जो हम कहते हैं ना सुनार, आज तक मैंने उन लोगों को कभी भी लॉस पे धंधा करते हुए या अपने मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करते धंधा करते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा है? बिकॉज ये चीज़ जो है ना, ये एक मटेरियल चीज़ है जिसके जो आपके पास हमेशा रह सकती है। आप उसको तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आप उसका सही भाव आपको नहीं लगेगा। तो इसको आप होर्डिंग भी नहीं कह सकते, बिकॉज मैं वो ओन कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो मैं उसमें उतनी ही क्वांटिटी निकालूंगा, बेचूंगा, जिसपे मुझे मेरा रियलाइजेशन बेहतर होगा। नहीं होगा, सही समय का इंतजार करेंगे। और ये ऐसी चीज़ है कि इसका प्राइस हमेशा गिरेगा नहीं, कभी ना कहीं आपको मिलेगा ही ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि वो लोग बहुत लॉस पे कुछ बेचने वाले हैं। थोड़ा बहुत मार्जिन इम्पैक्ट हुआ एक आधा क्वार्टर के लिए, तो भी इन्वेंटरी को फिर किसी और ना किसी तरह से चार्जेस लगा के मार्जिन मेंटेन हो ही जाएगा।